सो हम इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इसके और भी जितने एप्लीकेशन थे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। देन अब ये लास्ट इसका एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। जैसा कि अब यहाँ पे हम चार्ज स्फीयर का डिस्कस करें तो यहाँ पे इसकी दो कंडीशन हो सकती है, मीन्स स्फीयर हमारा कंडक्टिंग भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग। देन ये फर्स्ट कंडक्टिंग और ये दूसरा नॉन कंडक्टिंग। अच्छा, फिर यहाँ पे भी कंडक्टिंग स्फीयर में भी आपके टू केसेस हो सकते हैं, सब केसेस। फर्स्ट है कि ये हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरा हो सकता है ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर का मींस क्या है, ये स्फीयर पे सिर्फ सिर्फ इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं होगा, एक हॉलो स्फीयर होगा। अगर हम इस पर चार्ज देते हैं देन चार्ज इसके कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, इस तरीके से इसके सरफेस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आते हैं दूसरा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है इसके वॉल्यूम में मटेरियल फिल होगा। तो मटेरियल फिल होने का मतलब ये है, कुछ इस तरीके से ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होगा। अब ये जो भी कंडक्टिंग स्फीयर होगा ये, तो बिकॉज हमें पता है कभी भी किसी भी कंडक्टर के जब हम चार्ज देते हैं तो कहाँ पे होता है, उसके सरफेस पे होता है। तो सो इस केस में भी अगर हम इसको चार्ज करते हैं देन चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पे आ जाएगा। है तो ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पे ही रहेगा, क्योंकि ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर पे जो भी हम चार्ज देते हैं वो कहाँ पे होता है, उसके सरफेस पे होता है, ऑलवेज सरफेस पे ही एग्जिस्ट करता है, उसके इनसाइड में कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अगर हम देखें तो यहाँ भी दो केसेस हो सकते हैं, हॉलो और सॉलिड। हॉलो को हम लोग सेल भी बोल सकते हैं, स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर, और यहाँ पे सॉलिड। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें कि ये सपोज़ दैट एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर मीन्स स्फेरिकल सेल है, तो यहाँ पे अंदर कोई मटेरियल नहीं, अगर हम यहाँ पे चार्ज इसको प्रोवाइड करते हैं देन सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पे चार्ज होगा, क्योंकि अंदर मटेरियल है ही नहीं। तो वी नो दैट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, कि मतलब हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में पढ़ा था कि आपका जो चार्ज होता है वो मैटर के विदाउट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अंदर ये पूरा का पूरा ये खाली है, तो सो अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो सो यहाँ पे इसके सरफेस पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो यहाँ पे, तो ये सॉलिड स्फीयर यहाँ पे है, इस तरीके से सपोज करते हैं ये सॉलिड स्फीयर है अपना। ये जो सॉलिड स्फीयर होगा यहाँ पे इसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बिकॉज ये इसके पूरा वॉल्यूम जो है सॉलिड है, पूरे वॉल्यूम में मटेरियल फिलअप है। तो सो हम यहाँ पे ये नॉन कंडक्टिंग है, सो हम अगर चार्ज इसके यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मीन्स चार्ज जो होगा इसके पूरे वॉल्यूम में इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। देन ओवरऑल अगर हम यहाँ पे इस चारों में डिफरेंस को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सब में तीनों में एकदम सेम है। तीनों केस में आप देख सकते हो, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, तीनों ही केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, उस स्फीयर के सरफेस पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके वॉल्यूम में है, तो सो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बोल सकते हैं डिपेंड करने या फैक्टर्स जो होंगे ये इन तीनों से अलग होंगे, क्योंकि इसमें चार्ज कहाँ पे है, वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है, और इन तीनों में चार्ज कहाँ पे कर रहा है, सरफेस पे। तो बिकॉज हमें पता है कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी और किस नेचर की होगी। तो जैसे कि हमने पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो उसमें क्या था, 1/4πε0 qyr2। अब फिर हमने दूसरा
पॉइंट चार्ज का ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। बट अगर हम यहीं पे दूसरा हमने पढ़ा था ड्यू टू द लाइन चार्ज, तो लाइन चार्ज के थ्रू क्या था, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा था कि इसमें था 1 अपान आर स्क्वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। उसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सरफेस। ड्यू टू द सरफेस हमने देखा था अपने प्लेट, ड्यू टू द प्लेट देखा था कितना था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट ही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। यहाँ पे ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। उसी तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों में, इसके स्फीयर और स्फीयर तीनों में सेम है, सो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम एक्सप्रेशन होगा। बट यहाँ पे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, सो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन अलग होगा। तो सो हम इन तीनों का एक कॉमन केस करेंगे, इनके डेरिवेशन के लिए हम इन तीनों का एक कॉमन केस लेते हैं। अब इसमें कॉमन केस में हम करते क्या हैं, मीन्स तीनों में से कोई भी डेरिवेशन आपसे पूछता है तो एक सिंगल डेरिवेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे क्या है कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग, चार्ज कंडक्टिंग हॉलो और सॉलिड, मीन्स कंडक्टिंग स्फीयर है तो हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, और अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो हॉलो स्फीयर भी हो सकता है। मीन्स हम तीन केसेस को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, एक साथ इनो करेंगे, बिकॉज इन तीनों केस को सॉल्व करने का तरीका एकदम से सेम है। तो सो कोई इनमें से एक कॉमन केस बना के हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे एक हमने आर रेडियस का, सपोज़ ये है आर रेडियस का एक हमने स्फीयर कंसीडर किया। अब इस स्फीयर पे हमने सपोज दैट क्यू चार्ज सप्लाई किया, तो क्यू चार्ज कहाँ पे होगा, इसके सरफेस पे होगा। तो सारा चार्ज हमने यहाँ पे इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे ये चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है। और ये चार्ज की जो वैल्यू है, ये चार्ज की वैल्यू आप बोल सकते हो ये है क्यू, क्यू चार्ज हमने ओवरऑल इस पे दिया हुआ है। तो देन अब इसमें भी तीन केसेस अराइज होते हैं बच्चों। तीन केसेस क्या होते हैं कि हम इस स्फीयर, ये आप देख सकते हो जो डार्क रेड कलर का आपको स्फीयर दिख रहा होगा, लाइन दिख रही होगी, ये हमारा मेन सर्कल स्फीयर है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा स्फीयर है, मीन्स 3D डाइग्राम है। तो यहाँ पे स्फीयर का ये मेन स्फीयर ये हमारा है। तो इसमें भी तीन केसेस हो सकते हैं इसके, कि मीन्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इस स्फीयर के बाहर कहीं फाइंड आउट करें आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा हो सकता है कि एट द सरफेस इस स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करें, और तीसरा ये हो सकता है कि हम इस स्फीयर के अंदर इनसाइड द स्फीयर हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करें, ऑब्जर्व करें। तो ओवरऑल हम यहाँ पे तीन केसेस हमें डिस्कस करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब ये स्फीयर तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ओवरऑल थ्री केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मींस आउटसाइड द स्फीयर, एट द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। मेन स्फीयर ये आप देख सकते हो ये है, इसके आउटसाइड, इस एट द सरफेस एंड इनसाइड द स्फीयर, ये तीनों केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो फर्स्ट केस अगर हम देखें, फर्स्ट केस अगर यहाँ पे लिखें आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, तो हम एक्सप्रेशन के तौर पे, अब आउटसाइड में एक हम इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी हमने अज्यूम कर लिया। ये आप देख सकते हो पी पॉइंट कहाँ पे है, इस मेन स्फीयर जो आपका बेसिक स्फीयर है, जो कि चार्ज स्फीयर है, इससे बाहर है ये पॉइंट पी। तो उस केस में आप लिख सकते हो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मीन्स ये जो आर होगा ये वैल्यू इसके रेडियस से ग्रेटर ही होगी। किसके लिए, जब भी हम आउटसाइड कोई भी पॉइंट लेंगे, मीन्स अगर सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का है हमारा स्फीयर, देन अगर हम आउटसाइड कोई पॉइंट लेंगे तो 5 से ग्रेटर होगा, मीन्स 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 होगा, कुछ भी हो सकता है। सो इसीलिए हमने लिखा आर इज ग्रेटर देन आर, दैट मीन्स आउटसाइड की बात हम कर रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है,
इस केस के लिए सबसे पहले हम इस पी पॉइंट से होती है, हमने पहले ही आपको डिस्कस किया है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जब भी हम करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो हम ये आर डिस्टेंस पे अगर ये पॉइंट पी है, इसका गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल, मींस किसी भी डायरेक्शन में अगर हम आर डिस्टेंस लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। सो इसका गॉसियन सरफेस आपका ड्रॉ किया हुआ हमने, ये डॉटेड लाइन आप जो देख रहे हो ये क्या है, इसकी गॉसियन सरफेस है पी पॉइंट के अलॉन्ग में। आर डिस्टेंस भी ये पॉइंट, आर डिस्टेंस भी इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में हर डायमेंशन बोल सकते हैं सेम। सो एक इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये दिख सर्कल ला, बट हम ये स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। देन अब हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ कर रखा है। अब इस गॉसियन सरफेस पे हम पहले की तरह फिर से क्या करेंगे, एक यहाँ पे एरिया वेक्टर, छोटा सा एरिया एलिमेंट यहाँ पे कट करेंगे। अब ये जो एरिया एलिमेंट हमने कट किया, देन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड डी ए। ओके, अब ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो ये भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होगी स्फीयर से। ये स्फीयर चार्जेस पे, इससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो आप देख सकते हो कि इसके किसी पॉइंट पे, यहाँ हमने कट किया, देन एरिया वेक्टर आउटवर्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? आउटवर्ड होगी। तो सो इस स्फीयर गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही क्या होंगे? ऑलवेज सेम डायरेक्शन में होंगे। तो सो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालें, टोटल फ्लक्स, यहाँ पे एक ही टाइप का सरफेस है इसलिए हम टोटल फ्लक्स वन टाइम में इंटीग्रेट करके निकाल देंगे। देन ई डॉट डी, देन फाइ टोटल की वैल्यू हो जाएगी अपनी ई डॉट डी ए की वैल्यू ई इंटू डी ए कॉस जीरो, एंड कॉस जीरो की वैल्यू वन। सो और ई इस सरफेस पे हर जगह पे क्या होगी? कांस्टेंट। देन ई को हम बाहर कर लेते हैं, देन इंटीग्रेट करते हैं डी ए को, कॉस जीरो की वैल्यू वन, देन फाइ टोटल की वैल्यू अपनी आ गई ई इंटू, बिकॉज ई अननोन है अभी ई, बट ये पता हमें गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट है। देन डी ए की वैल्यू अगर हम देखें तो एक छोटा सा हमने एरिया सेगमेंट यहाँ से कट किया हुआ है, अगर हम पूरे सरफेस को लें तो आपको बोल सकते हो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है कितना होता है? फोर पाई, एंड रेडियस का स्क्वायर। देन रेडियस अगर देखें तो क्या है? स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर इस गॉसियन सरफेस का रेडियस। सो फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, देन ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम कर देंगे। उसके बाद आते हैं, अब इस पर हम क्या करते हैं? गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, बिकॉज ये क्लोज सरफेस है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से अगर हम देखें तो इस क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज चार्ज कितना होगा? यही आपकी स्फीयर पे जो चार्ज होगा वही इनक्लोज चार्ज होगा। ये देख सकते हो आप, बाहर का गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर इनक्लोज चार्ज ये स्फीयर है, इनक्लोज चार्ज कितना है? क्यू है। तो सो हम टोटल फ्लक्स यहाँ पे लिख सकते हैं पाई टोटल इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर अपना सेकेंड, मीन्स दोनों ही एक्सप्रेशन हमें टोटल फ्लक्स ये दे रहे हैं, बट ये चार्ज के टर्म में दे रहा और यहाँ पे ये दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। देन हम क्या करते हैं, अब दोनों इक्वेशन को इक्वलेट कर देते हैं। देन बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं? ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देन यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसे हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, देन ये हो जाएगा क्यू अपान फोर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द ड्यू टू द कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में, कोई भी तीनों केस कोई भी ले सकते हैं। ये हो गया आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। उसके बाद आते हैं सेकेंड, सेकेंड केस हमारा होगा एट द सरफेस, एट द सरफेस मीन्स
मीन्स इस केस में आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कैसे होगा, बिकॉज ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, पी अगर हम सरफेस पे ला के रख दें उस समय जो ये आर होगा इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं एट द सरफेस के केस में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। तो सो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज हम आर की जगह बस कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे, देन ई की वैल्यू हो गई 1/4π ε0 इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये एट द सरफेस। उसके बाद अब आते हैं हम लोग थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में क्या है, थर्ड आपका थर्ड केस में है इनसाइड, इनसाइड इनसाइड में आप बोल सकते हो, अब यहाँ पे इनसाइड हमने क्या किया, एक पॉइंट पी डैश ले लिया हमने, पी डैश, ये हमने पी डैश पॉइंट लिया हुआ है। अब इस पी डैश पॉइंट की यहाँ सेंटर से जो डिस्टेंस है ये सपोज करते हैं आर डैश है, आर डैश डिस्टेंस पे हमने पी डैश पॉइंट लिया हुआ है। इस पॉइंट से के रिस्पेक्ट में हमने गॉसियन सरफेस बनाया, ये भी कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, स्फेरिकल सरफेस बन रहा है। बट इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं हो रहा, ये आप देख सकते हो न्यू गॉसियन सरफेस जो इनसाइड इसके बन रहा है, इनसाइड केस के लिए इसके अंदर चार्ज, कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। मीन्स इसके लिए अगर हम लिखें क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो, इसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज क्यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब क्यू की वैल्यू अगर यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर इज लेस देन आर, आर डैश आप लिख सकते हो, आर डैश इज लेस देन आर, आर डैश की वैल्यू क्या है, आर से छोटी होगी, तभी ये कोई पॉइंट भी इनसाइड अगर सपोज दे, जैसे ये 5 सेंटीमीटर का है और अगर हमने इनसाइड कोई भी पॉइंट लिया तो इसकी रेडियस पहले से कम होगी तो ही इनसाइड हो सकती है। तो सो हम इसलिए हमने यहाँ पे लिखा आर डैश इज लेस देन कैपिटल आर। तो इस केस में आप अगर यहाँ पे देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बिकॉज क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो है, इसके अंदर इनक्लोज चार्ज अगर हम देखें तो क्या है, जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके देखें, फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, हम दोनों फॉर्मूलों को एक साथ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए तो होता ही अपना, और उसी के इक्वल क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज यहाँ क्यू की वैल्यू जीरो, तो जैसे यहाँ पे जीरो पुट करोगे आप तो ई इंटू डी ए इज इक्वल टू क्या आता है, जीरो, एंड देन ई इक्वल टू जीरो, मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा। अच्छा, उसका एक रीज़न लॉजिक ये भी आप दे सकते हो कि बिकॉज इसके अंदर कोई भी चार्ज यहाँ पे बोल सकते हो रिसाइड्स नहीं कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट उसी स्पेस में या प्लेस पे करती है जहाँ पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो। तो बिकॉज सारी की सारी चार्ज सरफेस पे एग्जिस्ट कर रही है, सो इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे, बट इनसाइड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए आप, तो फिर से एक बार हम इसको समराइज़ कर देते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग चार्ज स्पीयर हमें निकाल दिया, चार्ज स्पीयर में हमने तीन केस को समराइज़ किया हुआ, तीन केस में कौन कौन सा, मीन्स इनमें से तीनों में से कोई भी आपसे अगर पूछता है तो आप इसी मेथड से एकदम सेम प्रोसीजर से कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये तीनों ही केस में क्या होता है, सेम होता है, तीनों केस में सेम होता है, इसीलिए हम यहाँ पे तीनों केस का एक कॉमन डेरिवेशन कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा कि तीनों में से कोई भी अगर हम ले लिया हमने, तो उसके बाद इसमें सबसे पहले आउटसाइड में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, मीन जैसे हमने एक सेंटर से पी पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है जो कि इस मेन हमारे स्फीयर से बाहर है, तो बाहर इसका मतलब आर इज ग्रेटर देन आर, सो हमने उसका
गॉसियन सरफेस ड्रा किया तो कैसा आया, स्फेरिकल ही आएगा। देन स्फेरिकल यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रा किया, उस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया डीए आउटवर्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगी मतलब हर पॉइंट पे, सो दोनों सेम डायरेक्शन में। देन हम यहाँ पे फाइ टोटल इक्वल टू ई डॉट डी ए का फॉर्मूला लगा के कॉस जीरो कर देंगे। देन ई बिकॉज इस गॉसियन सरफेस पे कॉन्स्टेंट है तो सो हमने यहाँ पे ई को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया ई। अब यहाँ बच क्या रहा है डी ए, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे मीन्स छोटा सा कर्व सरफेस एरिया पे यहाँ पे अभी लिया हमने। अब ये पूरा कर्व सरफेस एरिया अगर हम यहाँ पे लें तो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज़ द 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये गॉसियन सरफेस जो आप देख रहे हो उसका रेडियस कितना आर, सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब बिकॉज ये गॉसियन सरफेस कैसा अपना है, क्लोज सरफेस है, तो सो क्लोज सरफेस के लिए हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज़ द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस। तो आप देख सकते हो ये जो गॉसियन सरफेस इसके अंदर जो इनक्लोज चार्ज है, ये इनक्लोज चार्ज के अंदर जो है कि सॉरी ये जो आपका गॉसियन सरफेस का है इसके अंदर इनक्लोज चार्ज क्या है, क्यू होगा, देन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख सकते हो दोनों ही टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेम तो सो राइट हैंड साइड भी सेम। इक्वेशन एंड फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने क्या किया, दोनों को इक्वलेट कर दिया और यहाँ से इसके बाद इसको ट्रांसफ़र करके ई की वैल्यू हमारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई 1/4π0 क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने सेकेंड केस हमने देखा कि यहाँ पे इसके सरफेस पे हमें निकालनी है, तो सरफेस पे जैसे ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आर की वैल्यू इस कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ द चार्ज स्फीयर के इक्वल हो जाएगी, सो आर इक्वल टू आर। देन हम ये सेम वैल्यू आर की जगह पे कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे, देन हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा एट द सरफेस के लिए। उसके बाद आते हैं इनसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के ये जो आपका मेन स्फीयर है उसके अंदर हमें निकालना, तो अंदर हमने आर डैश डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी डैश लिया हुआ है। अब इस पी डैश पे के थ्रू हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो हम यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मीन्स इसके थ्रू इनक्लोज चार्ज की वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ पे हमने क्यू की वैल्यू जीरो लिख ली इस केस के लिए, तो बिकॉज वी नो दैट द अगर हम फ्लक्स की वैल्यू निकालें तो हमें पता है ई डॉट डी ए ये नॉर्मल फ्लक्स का फॉर्मूला है और टोटल फ्लक्स का एक और फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय द गॉस थ्योरम, दोनों को इक्वलेट हमने डायरेक्टली कर दिया। देन क्यू की वैल्यू यहाँ जीरो पुट किया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। एंड देन ई की वैल्यू बिकॉज ये कुछ भी हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो, हॉलो या सॉलिड, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। और दूसरी चीज़ अगर ये नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होती है बिकॉज उसके अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अब जैसे कि हम तीनों फॉर्मूला अगर यहाँ पे इसको लिख दें 1/4π ε0 क्यू बाई आर स्क्वायर कब के लिए, आउटसाइड मीन्स आर इज ग्रेटर देन आर, दूसरा है ई अपान 4π ε0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर ये कब है, आर इक्वल टू आर मीन्स एट द सरफेस, ई इक्वल टू जीरो कब के लिए है, ये जीरो है इनसाइड, इनसाइड के लिए आप देख सकते हो इसकी वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू लेस, तो ये इनसाइड, ये आप देख सकते हो आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड, ये तीन केसेस हैं, तीनों केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ये हमारा रिजल्ट रहा। तो इस रिजल्ट में अगर हम देखें इसके ग्राफ बनाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, हम यहाँ पे इस एक्सिस पे हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे उस स्फीयर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से, ये स्फीयर है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे ये जीरो सेंटर। अब यहाँ तक अगर हम देखें ये पॉइंट क्या, आर इक्वल टू आर है मीन्स
यहाँ तक अगर हम आते हैं तो जाके हम इसके रेडियस के इक्वल होते हैं, मीन्स सरफेस पे आते हैं। और इसके आगे का रीजन क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर है, और ये रीजन को हम बोल सकते हैं आर इज लेस देन आर, मीन्स ये इनसाइड का रीजन है और ये एट द सरफेस ये आउटसाइड का रीजन है। तो सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो इनसाइड क्या है, जीरो है, मीन्स हम डिस्टेंस सपोज दैट ये 10 सेंटीमीटर रेडियस का है स्फीयर, तो अगर हमने सपोज दैट 1 सेंटीमीटर इसके सेंटर से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर हम देखें 1 सेंटीमीटर सपोज यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो, टू पे जीरो, थ्री फोर फाइव ऐसे जीरो जीरो, और जैसे ही 10 पहुँचेंगे तब जाके हमें कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू मीन्स एट द सरफेस उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है। तो इसके अंदर कोई भी ग्राफ हम ड्रा नहीं करेंगे, बट जैसे ये एक चीज़ और हम देख सकते हैं, ये एट द सरफेस और आउटसाइड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एट द सरफेस, बिकॉज एट द सरफेस क्यों ज़्यादा, क्योंकि आर की वैल्यू अभी क्या है इस समय इससे कम है, मीन्स ये जो वैल्यू है ये इस आर से कम है, वहीं आउटसाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर, मीन्स रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस होगी ना आउटसाइड के लिए। तो सो यहाँ पे हम इस आर की वैल्यू क्या होगी, कैप इस स्मॉल आर से कम होगी, सो यहाँ पे ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होती है, उसके सरफेस पे होती है, सरफेस पे आप देख सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके सरफेस पे मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये आउटसाइड जाते हैं, आउटसाइड में जैसे ही आर की वैल्यू आप बढ़ाओगे देन ई की वैल्यू क्या करेगी, घटेगी। तो सो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है। सो कोई भी आर स्क्वायर का अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ अपना बनेगा, एक चीज़ में आप ध्यान रखना कि आप इसको टच नहीं करोगे, यहाँ पे आप इसको एकदम नज़दीक लेके आओगे लेकिन यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट नहीं करोगे। इंटरसेक्ट करने का रीज़न अगर आप करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दी, तो जो कि इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होती है, इनफाइनाइट मीन्स आर की वैल्यू अगर आप बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज तो करेगी बट जीरो नहीं होगी, आर की वैल्यू अगर आप बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर तो देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो सो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से कर्व बनाते हुए यहाँ पे लाके हम इसको छोड़ देते हैं, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। और यहाँ पे अंदर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही है हमें, जीरो, मीन्स यहाँ पे इस रीजन में हमें कोई भी ग्राफ ड्रा नहीं कर रहे, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ पे सरफेस से, और उसके आगे जैसे बाहर हम बढ़ते जा रहे हैं ये घटती हुई चली जा रही है। तो सो इस तरीके से हमने इनके तीनों केस को एक साथ डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये क्या होता है, इसके वॉल्यूम में होता है। सो इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का अलग से इसका फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे। तो इसको डेराइव करने के लिए सबसे पहला केस क्या लेते हैं, यहाँ पे एक चीज़ ये है, यहाँ पे इसके अंदर यूनिफॉर्मली जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे इसके वॉल्यूम में, ये इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, आप देख सकते हो यूनिफॉर्मली इसके पूरे वॉल्यूम में है। इसके पहले केस में हम सिर्फ सरफेस पे चार्ज को दिखा रहे थे, बट यहाँ पे क्या है कि इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सो इस तरीके से अगर ये डिस्ट्रीब्यूट है तो सबसे पहले इसमें भी तीन केसेस हम डिस्कस करेंगे, इस चार्ज स्फीयर से आउटसाइड, एट द सरफेस, और तीसरा होगा इसके इनसाइड में। तो इसका जो आउटसाइड है और एट द सरफेस एकदम सेम पीछे के डेरिवेशन की तरह है, जैसे हमने ये लास्ट डेरिवेशन किया उसी तरीके से इसके आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और एट द सरफेस का, जैसे हम करके देख लेते हैं। सपोज ये आर रेडियस का अपना स्फीयर है
और इस पे हमने टोटल जो चार्ज दे रखे, ये चार्ज जो है ये है क्यू, क्यू चार्ज हमने इस पे दिया रखा, जो कि इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो सो इससे आउटसाइड में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लेते हैं, हम पी लेते हैं यहाँ पे आर डिस्टेंस पे। तो सो यहाँ पे एक छोटा सा हम एरिया एलिमेंट लेते हैं जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, डी ए, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। सो यहाँ पे हम फर्स्ट केस अगर करें आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स आर ग्रेटर देन आर, जैसे हमने पहले कहा, मीन्स ये स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ग्रेटर होगी। तो सो यहाँ पे फिर से वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फाई टोटल इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस जीरो, जीरो क्यों, बिकॉज ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन फाई ई को बाहर कर देंगे, ई को बाहर जैसे ही करते हैं देन हो गया ये डी ए, एंड डी ए को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, बिकॉज छोटा सा सरफेस लिया पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, कैसा होगा गॉसियन सरफेस, इसका स्पेरिकल होगा आर रेडियस का, तो सो ई इंटू हो जाएगा फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन। अब उसी तरीके से हम अब फिर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम गॉस थ्योरम, बिकॉज ये क्लोज सरफेस है, देन बाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से यहाँ पे हम देखेंगे तो नेट फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि ये जो आप देख सकते हो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज ये चार्ज स्फीयर है और इसका चार्ज कितना क्यू है, सो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, देन फाई की वैल्यू यहाँ से ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, बिकॉज दोनों आप देख सकते हो टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी टोटल फ्लक्स ये भी टोटल फ्लक्स, देन बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो देन ई की वैल्यू पहले की तरह इसको ट्रांसफ़र कर देंगे क्यू अपान फोर पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं हम लोग वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मली सेम फॉर्मूला आ रहा है आउटसाइड के लिए, तो ये आउटसाइड का अपना हो गया। उसके बाद सेकेंड केस हम लोग डिस्कस करेंगे एट सरफेस, सरफेस केस में आर इक्वल टू कैपिटल आर, मीन्स ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर यहाँ पे हम प्लेस करते हैं तो सरफेस पे होगा, और सरफेस पे जैसे ये पी होगा तो आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। सो हम फिर से ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना क्यू बाई आर स्क्वायर, ये एट द सरफेस। अब इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे जो डिफरेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फीयर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना होगा। तो इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं, हम इस स्फीयर को, इस फिगर को हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा ये मेन स्फीयर है जो कि आर रेडियस का है, ये है आर रेडियस का। अब इसमें हमने पहले ही बोल रखा कि इसमें जो चार्ज है यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जिसका चार्ज कितना है क्यू, क्यू चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसके इनसाइड में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं, एक इसके अंदर आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी कंसीडर किया हमने, देन पी के अलॉन्ग अगर हम इसी रेडियस का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो ये होगा इसका
ये इस तरीके से गॉसियन सरफेस हो जाएगा अपना। ये हो गया अपना गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस पे हम छोटा सा एक एरिया एलिमेंट, अच्छा ये पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये कितना है, क्यू है। अब इस गॉसियन सरफेस जो हमने यहाँ पे ये कंसीडर किया आर रेडियस का, अब इसके अंदर टोटल चार्ज तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, सिर्फ इतना जो चार्ज इसके अंदर दिख रहा है यही चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो ये चार्ज का अमाउंट हम सपोज करते हैं ये कितना है क्यू डैश। इस चार्ज की जो अमाउंट है ये है क्यू डैश इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो कि हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, जिसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, स्मॉल आर इसकी रेडियस है। इस अब इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम मान लेते हैं रो है, तो रो इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो चार्ज अपान वॉल्यूम। तो चार्ज अपान वॉल्यूम ये लिख सकते हो कि ये बड़े वाले स्पीयर के लिए क्या लिखे टोटल चार्ज अपान टोटल वॉल्यूम, और छोटे वाले स्पीयर के अगर लिखें इसके लिए अगर हम देखें तो इसके अंदर इनक्लोज चार्ज हमने क्यू डैश लिया, तो क्यू डैश अपान अब इसका वॉल्यूम भी कम होगा कितना होगा सपोज करते हैं वी डैश होगा। तो सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू डैश इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें देन क्यू डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रो इन टू वी डैश ये हो जाएगी। एंड क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी रो इंटू इसकी वैल्यू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता फॉर्मूला 4/3 πr³ ये होता फॉर्मूला। तो देन क्यू डैश की वैल्यू अपने निकल के आ गई। सबसे जो इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है यही है कि आपको जो भी इनसाइड में ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले रहे हो उसके अलॉन्ग आप क्या करोगे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है उसको हम क्यू डैश एज्यूम कर लेते हैं। एंड क्यू डैश की वैल्यू हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हेल्प से निकालते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, और या हम अगर छोटे स्फीयर में देखें तो इस स्फीयर का चार्ज अपॉन इस स्फीयर का वॉल्यूम, इस स्फीयर का वॉल्यूम हमने वी डैश लिया। देन यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू डैश इक्वल टू वी डैश इससे मल्टीप्लाई कर जाएगा रो इंटू वी डैश देन रो इंटू वी क्या है वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³ बिकॉज ये स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। देन क्यू डैश की वैल्यू अपनी निकल के आ गई। देन अब यहाँ पे जैसे ही क्यू डैश की वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पे एक छोटा सा हम क्या करते हैं एक एरिया वेक्टर यहाँ पे एरिया एलिमेंट यहाँ पे कट करते हैं जो कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। ये आप देख सकते हो कि एरिया वेक्टर जो होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये हम कौन सा केस कर रहे हैं थर्ड केस है अपना इनसाइड, इनसाइड मीन्स आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए कर रहे हैं, सॉरी आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए कर रहे हैं इनसाइड। देन अब यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर लिया देन इसके अंदर जो भी क्यू डैश चार्ज है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आउटवर्ड, जिसकी दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हो सेम है। तो सेम होने की वजह से आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख सकते हो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू डी कॉस जीरो, यहाँ पे हम बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन सो कॉस जीरो लिखेंगे। एंड कॉस जीरो की वैल्यू हमें क्या पता है